Welcome, Caselet video SBI PO Main के लिए इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। ये Caselet बड़ा ही शानदार है, beautiful जिसे कहा जाएगा। मिक्सचर एलिगेशन पर आधारित 5 क्वेश्चन का ये सेट है। एग्जाम के लिए आपको काफी प्रैक्टिस कराएगा। इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम भी बना सकेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर कुमार सिंह, अमर सर अन एकेडमी पर भी हूँ, जो एक फ्री लर्निंग ऐप है। मैंने यहाँ पर ढेरों लेसन्स और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक, एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन एकेडमी लर्निंग ऐप। पहले इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। राव पेंट कंपनी आरपीसी इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स। आरपीसी बाइज रेड, ग्रीन एंड ब्लू पेंट्स एंड प्रोड्यूसेस येलो, व्हाइट, मैजेंटा एंड साइन। येलो कलर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग रेड एंड ग्रीन इन द रेशियो ऑफ 2:3। White color is prepared by mixing red, green and blue in the ratio of 2:1:2. The company prepares magenta color by mixing red and blue in the ratio of 4:1. The cost prices of red, green and blue pants are 35 rupees per liter, 40 rupees per liter and 45 rupees per liter respectively. और इसके बाद questions हैं। कलर कॉम्बिनेशन तो आप जानते भी हैं। वैसे जानने से कुछ नहीं होता, जो यहां पर दिया हुआ है वही आपको लेकर के चलना है। लेकिन आप यहां ये इन इंफॉर्मेशन को एक जगह हम लिख क्यों ना लें, जिनका कि बार बार इस्तेमाल करेंगे। हम लोग कलर कॉम्बिनेशन में जानते हैं कि ये बेसिक कलर्स हैं। बेसिक कलर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, तो ये बेसिक कलर हैं। कलर ट्रायंगल जानते हैं, इसे वो खरीदती है। रेड, ग्रीन एंड ब्लू को वो खरीदती है और इनको खरीदने के बाद, बाई करने के बाद इनको मिलाती है। मिलाने में हम लोग जानते हैं कि रेड और ग्रीन के मिलाने से येलो बनता है। ग्रीन एंड ब्लू को मिलाने से शान बनता है और रेड एंड ब्लू को मिलाने से मैजेंटा बनता है। अब किस रेशियो में कंपनी मिलाती है, वैरायटी ऑफ कलर्स बनते हैं। तो यहां पर जो डिफाइन किया गया कि रेड एंड ग्रीन 2:3, रेड एंड ग्रीन 2:3, ठीक। व्हाइट आते हैं बाद में, व्हाइट और मैजेंटा कलर रेड एंड ब्लू, मैजेंटा कलर रेड एंड ब्लू 4:1। ग्रीन और श्यान के बारे में ऊपर में नहीं कहा गया है। जहां तक व्हाइट कलर का सवाल है, हम लोग जानते हैं कि तीनों के मिलाने से व्हाइट बनता है। तीनों के मिलाने से व्हाइट बनता है, ये व्हाइट है। ऐसा ही बोल सकते हैं कि इन दोनों को मिलाने से येलो बना और येलो में ब्लू मिलाए तो व्हाइट बना, या इन दोनों को मिलाने से सियान बना, सियान में रेड मिलाए तो व्हाइट बना, या ब्लू एंड रेड को मिलाने से मैजेंटा बना और मैजेंटा में ग्रीन मिलाए तो व्हाइट बना। तो खैर, बेसिक कलर के रूप में ही कहा गया कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इन्हीं तीनों को मिलाया जाता है। रेड, ग्रीन एंड ब्लू 2:1:2। तो रेड थोड़ा यही लिख देते हैं, ग्रीन एंड ब्लू ये 2:1:2, ये व्हाइट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि वो ऐसे करके बनाया जाता है। समझ गए, यहां भी मैं लिख के हम लोग, लेकिन वही लिखना ठीक रहेगा, व्हाइट जो है ऐसे करके
बनाया जाता है। समझ गए सारे इंफॉर्मेशन को लगभग हम लोग लिख चुके। सिर्फ रेड का सवाल है तो रेड ग्रीन और ब्लू को जो खरीदता है तो रेड का है 35 रुपीज पर लीटर, ग्रीन है 40 रुपीज पर लीटर। इनको खरीदा जाएगा तब ना मिलाया जाएगा और ये 45 रुपीज पर लीटर। हमने सारे इंफॉर्मेशन लिख दिए इसलिए हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि इन इंफॉर्मेशन को यहां पर क्लोज कर देते हैं और ये हमेशा रहेगा चाहे जो भी क्वेश्चन बनाए। इसको हमने लिख दिया, ये आपको भी लिख देना चाहिए कॉपी पर, इसके बाद आप क्वेश्चन बनाएंगे। तो हम लोग चले क्वेश्चन की ओर। आइए इसको समझने में कोई दिक्कत है, आइए ना क्वेश्चन के संदर्भ में समझ में आएगा। सियान कलर इज प्रिपेयर्ड सियान, सियान के बारे में ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं था यानी अलग अलग रेशियो हो सकता है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि सियान कलर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ग्रीन एंड ब्लू कलर इन द रेशियो 3:2, ग्रीन एंड ब्लू। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का जहां तक सवाल है ग्रीन और ब्लू ये 3:2 के रेशियो में बनाए गए सियान कलर, ठीक है। एज्यूम दैट येलो मैजेंटा एंड सियान, रुकिए येलो मैजेंटा एंड सियान, ओके येलो मैजेंटा एंड सियान ईच कलर फॉर द सेम प्राइस। एज्यूम दैट येलो मैजेंटा सियान ईच कलर फॉर द सेम प्राइस, ये सेम प्राइस में सेल होता है। ईच कलर सियान सोल्ड होगा हा? Each color sold for the same price. उनको सेल किया जाता है सेम प्राइस पर, ठीक है। तो which of the three is the most profitable to produce? बहुत बढ़िया है क्वेश्चन, सुनिए एवरेज का भी जबरदस्त इस्तेमाल है, जबरदस्त इस्तेमाल है। सुनिए पहले तीनों को सेम प्राइस पर सेल किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है तो उनको बनाने में जो कॉस्ट प्राइस सबसे कम लगेगा वही सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हुआ ना। और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और किस किस रेशियो में मिलाते हैं वो भी दिया हुआ है, तुरंत हम लोग कॉस्ट रेट निकाल सकते हैं। येलो का कॉस्ट रेट क्या निकाल देंगे तो लिख देंगे, यही लिख देंगे एवरेज। आप जानते हैं इनका 35-35 और इनका 40-40, तो 35 इसका रहने दीजिए, इसका भी 35 रहने दीजिए, 5-5 करके 15 निकलेगा और 15 को 5 में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा तो 3 मिलेगा, तो ये 38 रुपीज पर लीटर होगा कि नहीं। यानी येलो का जो कॉस्ट रेट है वो 38 रुपीज पर लीटर है। अच्छा श्यान का आप देखेंगे, श्यान का तो देखने ही नहीं चाहिए, बोले क्यों? क्योंकि कॉस्ट कम होने के लिए हम लोग जानते हैं कि रेड 35 का रेट है, ग्रीन 40 का रेट है और ब्लू 45 का रेट है, तो रेड मिलाने से ज्यादा मिलाने से कॉस्ट कम पड़ेगा ना, तो ग्रीन और ब्लू को मिलाने से तो सवाल ही नहीं उठता, इसको तो छोड़ दीजिए, जरूरत ही नहीं है। नो नॉट नेसेसरी, जरूरत ही नहीं है। सबसे ज्यादा ग्रीन यहां मिलाते हैं, रेड यहां मिलाते हैं 4:1 इसके होने का चांस है और ये भी 2:3 है। तो यहां हम लोग देखते हैं, यहां पर देखिए रेड का 35 मान लीजिए और मैजेंटा का 45 है, तो 35 अगर हम रहने दें एवरेज मतलब सबको बराबर बांटे तो कितना कितना पड़ेगा, तो 35 35 ये भी 35 तो यहां से निकला 10 10 को 5 में बांटा 2 ईच यानी 37 रुपीज पर लीटर। इसका रेट हुआ 37 रुपीज पर लीटर, आंसर हो गया मैजेंटा, जरूरत नहीं है इसको देखने की, इसमें तो 40 40 पहले ही मिलाएंगे तो 45 40 से ज्यादा होगा, व्हाट नेसेसरी। मैजेंटा कलर का को बना करके सेल करने से सबसे ज्यादा फायदा होगा क्योंकि उसका जो कॉस्ट रेट है वो मिनिमम है, ओनली मैजेंटा कलर। क्या शानदार क्वेश्चन था, बोलिए आंसर इज बी ओनली मैजेंटा कलर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है।
श्याम को हो सकता है अलग अलग रेट अलग अलग रेशियो में बार बार मिलाया जाएगा। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। द कंपनी प्रिपेयर ए पैकेट ऑफ मैजेंटा कलर ऑफ 30 लीटर्स। ठीक है, ठीक है, मैजेंटा कलर का एक पैकेट तैयार किया 30 लीटर। मैजेंटा का मतलब रेड एंड ब्लू को मिला करके मैजेंटा बना, 30 लीटर्स। ओके, वेन फ्रॉम द मैजेंटा कलर पैकेट 10 लीटर इज टेकन आउट। 10 लीटर तो निकाल लिया तो बचा क्या, 20 लीटर ना, पैकेट में 20 लीटर बचा ना, पैकेट में 20 लीटर बचा ना, पैकेट में मैजेंटा है ना। मैजेंटा किसे कहते हैं, रेड एंड ग्रीन के मिक्सचर को कहते हैं। और वो किस रेशियो में मिलता है, रेड एंड ग्रीन, रेड एंड ब्लू के मिक्सचर को कहते हैं। और वो किस रेशियो में मिलता है, 4:1। ओके ओके, हाँ, तो ये 20 लीटर बचा बचा बचा। An X liter of blue color is poured into the packet. X liter डाला जाता है into the packet. वो भी क्या है, X liter of blue color is poured into the packet. Blue को बोल सकते हैं, नहीं magenta color डाला जाता है। कैसे भाई, तो देखिए ना, उसमें red है ही नहीं, ऐसा magenta है जिसमें red है ही नहीं, पूरा का पूरा blue है, red zero है, रेड भी है जीरो है, रेड और ब्लू को मिलने से मिलाने से मैजेंटा बनता है। लाइक दैट, ऐसा मैजेंटा जिसमें से ब्लू ही है। ओके, देन द रेशियो बिकम्स 2:3, रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू। बहुत शानदार क्वेश्चन है एलिगेशन का, रेड टू ब्लू 2:3 ये बनता है। हम लोग पार्ट्स ले सकते हैं 4/5, 0 and 2/5। क्यों ले, परसेंटेज ले लेते हैं रेशियो रेड का, किसी का भी ले सकते हैं, 80% अच्छा लग रहा है, परसेंट 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 हम लोग परसेंटेज ले लेते हैं रेड का, हाँ 0% और 40%। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, परसेंटेज भी ले सकते हैं, रेड का भी ले सकते हैं, तो हर जगह रेड होना चाहिए। अगर हम ब्लू लेना चाहते हैं तो हर जगह ब्लू लेना पड़ेगा, 20%, ये वाला 100% और ये वाला 60%, रिजल्ट सेम आएगा। इसके डिफरेंस को यहां लिखते हैं, इसके डिफरेंस को यहां लिखते हैं, 1:1, 1 का मतलब 20 लीटर, तो 1 का मतलब कितना लीटर, 20 लीटर। आंसर सेकंड मिक्सचर मैजेंटा, दैट मींस ब्लू, आंसर इज सी। बोलिए समझ में आया कि नहीं, ये समझ रहे हैं, एलिगेशन का एक सिंपल उदाहरण है, सिंपल एग्जांपल है। आइए आगे बढ़े सेकेंड क्वेश्चन के बाद। आ जाइए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहां। द कंपनी प्रिपेयर्ड ए पैकेट ऑफ श्यान कलर, श्यान तो हमें मालूम नहीं, श्यान कलर ऑफ 20 लीटर्स, ऑफ विच 1/3 इज ग्रीन। बोलना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में डिफाइन नहीं है, हर क्वेश्चन में श्याम में बोलना पड़ेगा किस रेशियो में ग्रीन एंड ब्लू को मिलाते हैं। तो कहा गया है कंपनी, द कंपनी प्रिपेयर्ड ए पैकेट ऑफ श्याम कलर ऑफ 20 लीटर्स, ओके ओके ओके, ऑफ विच 1/3 इज ग्रीन। अच्छा ग्रीन, 1/3 इज ग्रीन मतलब 1/3 ग्रीन है तो 2/3 ब्लू है, 1:2 के रेशियो में। ओके, 1/3 इज ग्रीन एंड द रेस्ट इज ब्लू, एंड द रेस्ट इज ब्लू, ग्रीन एंड ब्लू, which is mixed with another 30 liters of cyan color, of which 1/4 is green. 1/4 green hai, to 3/4 blue hai, and the rest is blue. What is the ratio of green to blue in the final mixture? Ye ek aisa question hai, jisme allegation ka istemal ho sakta hai, kar sakte hain, par mujhe pasand nahi hai. Main sirf likh ke chhod deta hu. फर्स्ट मेथड बनाऊंगा नहीं, फर्स्ट 1/3 इज ग्रीन, सेकंड 1/4 इज ग्रीन, मिलाया गया 20 लीटर्स इज टू 30 लीटर्स, कितना पार्ट ग्रीन यह
यहां से निकलेगा और जब निकलेगा मान लीजिए 1/3 तो 1:2 लाइक दैट आंसर। ये मुझे पसंद नहीं बनेगा, पसंद नहीं है, पसंद नहीं मतलब लिखिएगा 1/3 - x = 30 और x - 1/4 = 20 और सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा। अब देखिए पसंद नहीं है, बोलते बोलते भी मैंने बना ही दिया, हाँ बचा क्या, बोलिए 5x हो गया = 1/3 माने 1/3 मतलब 2/3 और ये 3/4 ऐड हो जाएगा 2/3, इसीलिए मुझे पसंद नहीं था ना, अच्छा नहीं लग रहा था। 8, 9, 17 देखिए 17/12 यानी x = 17/60। ये कौन सा कलर हुआ, ग्रीन, इसीलिए green = blue कितना हुआ 17 ग्रीन और ये 60 - 17 यानी कि 17:43। D is the answer। अरे भाई ये तो मुझे पसंद नहीं था फिर भी मैंने बना दिया, चलिए मुझे पसंद नहीं है दूसरे तरीके से बनाता हूं। ओके असल में जब मीन वैल्यू निकालना होता है तो हम लोग एलिगेशन का इस्तेमाल अवॉइड करते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं। बताता हूं रेशियो क्या है, पहला वाला 20 लीटर दूसरा वाला 30 लीटर है ना, 2:3 का रेशियो है, रेशियो नहीं बदल सकते, वैल्यूज बदले जा सकते हैं। 1/3 इज जिंक एंड 1/4 इज जिंक, 3 और 4 कैल्शियम कितना हुआ 12, हमने माना पहला वाला इतना दूसरा वाला इतना जोड़ दिया तो कितना, ऐसे यानी 24 है, ये 36 है, कुल मिला के 60 है, फिनिश्ड हो गया। ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये टोटल, ये मैंने मेथड ऑफ एलिगेशन में बताया है, खत्म हो गया। हमें क्या निकालना है, ग्रीन ना देखिए ग्रीन तो 1/3 इज जिंक 8, 1/4 इज जिंक 9, टोटल 17, तो ब्लू कितना हुआ 60 - 17 = 43, 17:43 green = blue, दिस इज द बेस्ट मेथड, दिस इज द बेस्ट मेथड डी, द बेस्ट मेथड। ठीक है, इसके बाद इसके 2 क्वेश्चंस और हैं, उन्हें मैं लिखता हूं फिर सॉल्व करूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन पढ़ता हूं। द कंपनी प्रिपेयर्ड ए पैकेट ऑफ व्हाइट कलर ऑफ 40 लीटर्स, व्हाट प्राइस शुड इट सेल ऑन द पैकेट सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। देखिए 40 लीटर सेल करने पर 10% प्रॉफिट पर वो कितने में सेल करेगा, तो 40 लीटर का कॉस्ट प्राइस क्या है, तो 1 लीटर का कॉस्ट प्राइस क्या है, व्हाइट कलर, तो व्हाइट कलर कैसे बनता है, रेड ग्रीन और ब्लू को मिलाने से बनता है। आप जरा देखिए, मैं कहता हूं ये कि ये व्हाइट, देखिए व्हाइट कलर कैसे बनता है, रेड ग्रीन और ब्लू को मिलाने से बनता है। रेड का कलर है 35 के रेट से, ये है 40 के रेट से और ये है 45 के रेट से, और रेशियो क्या है 2:1:2। सबों का हम मान लेते हैं 40 रुपीज पर लीटर, तो 40 से ये 5:2 10 कबू लेस हुआ और 40 से ये 5:2 10 मोर हुआ, यानी कि 10 हुआ, यानी कि 0 हुआ, यानी कि 0 हुआ, यानी कि 40 रुपीज पर लीटर रेट हुआ। और 40 रुपीज पर लीटर, तो 40 लीटर का 40 रुपीज पर लीटर के हिसाब से कितना कॉस्ट प्राइस हुआ, 1600 रुपीज हुआ कि नहीं। प्रॉफिट का जहां तक सवाल है वो 10% है, 160 है कि नहीं, चूंकि 10% है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ, कितने में सेल किया, 1760 हुआ कि नहीं। ये एक आसान क्वेश्चन था, बस रेशियो को समझना था। ठीक है, ये समझ गया।
इसके बाद आइए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं फिफ्थ नंबर। द कंपनी सेल्स 30 लीटर ऑफ रेड कलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, 45 लीटर ऑफ ग्रीन कलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, एंड 50 लीटर ऑफ ब्लू कलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी? मतलब कंपनी खरीदती है इन थ्री कलर्स को, बाय करती है, फिर सेल कर दे रही है ज्यादा रेट पर और मुनाफा कमा ले रही है, तो कितना मुनाफा हुआ? तो बहुत आसान है, देखिए ये लिखा हुआ है कि रेड कलर उसने खरीदा, फिर रेड कलर कितना खरीदा, 30 लीटर खरीदा, ओके। उसके बाद उसने 10% प्रॉफिट पर बेचा, 10% प्रॉफिट पर बेचा, बताता हूं, या लिखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट करता हूं, छोड़िए, देखिए डायरेक्ट करता हूं, ठीक है। रेड कलर खरीदा, 30 लीटर खरीदा, 10% प्रॉफिट पर सेल किया, 10% क्या है, 3.5, तो 3.5 × 30 ये मुनाफा हुआ। दूसरा वाला देखिए, ग्रीन कलर को सेल किया 15 लीटर सेल किया ना, तो प्रॉफिट क्या है, 15%, ग्रीन का 15% क्या हुआ, 6 रुपीज के हिसाब से प्रॉफिट हुआ हर लीटर पर, तो 45 लीटर का कितना, और फिर 20% प्रॉफिट होता है 50 लीटर सेल करने पर, किसमें, ब्लू कलर, ब्लू कलर 20% कितना हुआ, 9 रुपीज करके, और ये 50 हुआ, यही तो प्रॉफिट हुआ ना, 105 रुपीज, और ये डबल कीजिए 19 × 3 = 270, और ये 450, इसको ऐड करना है 527 × 825 रुपीज आंसर, दिस इज द आंसर 825 रुपीज आंसर डी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, मैं मेन एग्जाम के लिए भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिफरेंट सेक्शंस के सेलेक्ट करके देता रहूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।